हैं जी। शुरू तो जी नाज़रीन, आज आप लोगों को बीसवें रोज़े की इफ्तारी मुबारक हो। तो जी नाज़रीन, आज आप लोगों को पता होगा कि बीसवें रोज़े लोग इतकाफ़ में बैठते हैं। तो आप लोगों ने सही थंबनेल देखा होगा कि आज मैं आज से व्लॉग नहीं बनाऊंगा अभी तक, क्योंकि मैं अभी इतकाफ़ में बैठ रहा हूँ। तब तक मेरा छोटा भाई या बड़ा भाई व्लॉग बनाएगा मेरे से के। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों का जो व्यूज़ है वो मैं देख लिया करूँगा, वो छोटा भाई वो कर लिएगा करेगा रिकवर। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों के चैनल में कौन आएगा कौन नहीं, तो आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी, वो मेरा छोटा भाई कर लेगा। और आप लोगों के वीडियो भी वॉच करते रहेंगे और आप लोगों को कमेंट भी करते रहेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और इंशाल्लाह मैं आपको चांद रात वाले दिन आपके साथ मुलाकात करूँगा। आज के मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं मस्जिद में कौन सी जगह पे बैठ रहा हूँ, इत्तिकाफ़ क्या क्या इस्तेमाल करूँगा, क्यों कौन सी चीज़ लेके जा रहा हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर कर जाऊँगा। इस आया करीमा के अंदर अगर हमें इसका तर्जमा सुन के समझ आ जाए तो यकीनन ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से हमारी वो सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसमें हमने जुमा अदा कर लिया, अब हम घर जा रहे हैं और सामान लेके आ रहे हैं क्या क्या इत्तिकाफ़ के लिए हमने करना। तो मैं पूछता हूँ मुझसे कौन कौन सी चीज़ें मैं लेके जाऊँगा, कौन सा इस्तरान है, मैं पूछता हूँ मुझसे। पौधे लगाने के लिए हम वो लेके आते हैं, वो दुकान ही बंद है, वो सामने बनी हुई वो दुकान ही बंद है, हम अब घर जा के पूछते हैं घर शायद। जी मैंने घर में भी पूछ लिया, घर में भी नहीं मम्मा घर ही पड़े, तो मस्जिद में मैं जाके बता देता हूँ उनको। खड़े हुए हैं लेकिन इनमें से एक मैं हूँ, एक ये तो भला भाई और पीछे जो बैठा उसने बनाए, हम तीन लोग अभी जो आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। तो दिन आज इनने अफ्तारी करवानी है इन लोगों ने मस्जिद में। ये देखें अब इस साइड पे लगने वाले हैं और इस साइड पे लग चुके हैं वो वाले, अभी फुल तैयार नहीं हुआ, अब इस साइड पे लगाने वाले हैं। एक वो भी अंकल हैं, वो भी इंशाल्लाह बैठेंगे इधर, वो भी कह रहे हैं। नाज़रीन ये मेरा सामान बड़ा हुआ, ये दोस्त का बड़ा हुआ, एक इधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, जो कि मैं इस साइड पे बैठूंगा इस जगह पे। अब ये भी दिखा देता हूँ, उस साइड पे भी बैठे थे लेकिन मैं इस तरफ बैठूंगा क्योंकि इधर ठंडी हवा चलती है, वो ऊपर सब भी लगा हुआ जिसकी वजह से ठंडी हवा चलती। अभी मैं नहा के कपड़े चेंज करके फिर आगे इंशाल्लाह ये सीधा करूँगा। नाज़रीन हमारी वीडियो आज की अंदर की, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मोहम्मद हफीज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।